प्रदेश भाजपा की पहली लिस्ट सामने आते ही पार्टी में इस्तीफों की आंधी शुरू हो गई है। कल रात लिस्ट आते ही सबसे पहला इस्तीफा आया पूर्व विधायक और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी का। मांडी के इस्तीफे के बाद तो ये सिलसिला रुका ही नहीं और सुबह होते होते दो और पूर्व विधायकों ने भाजपा को अलविदा कह दिया। इनमें रतिया से लक्ष्मण नापा और इंद्री से कर्णदेव कंबोज शामिल हैं। लक्ष्मण नापा आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। उनका कहना है कि सुनीता दुग्गल को खुश करने के लिए उनकी टिकट काटी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल पूर्व में सिरसा से सांसद रही, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद अब उन्हें विधानसभा की लिस्ट में एडजस्ट किया गया है। लक्ष्मण नापा और सुखविंदर मांडी के बाद इस्तीफा देने वालों में तीसरा बड़ा नाम सामने आया ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज का। कंबोज इंद्री से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए रामकुमार कश्यप पर भरोसा जताया, जिसके चलते कर्णदेव कंबोज नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कर्णदेव कंबोज ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अब पार्टी में गद्दारों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इन तीन बड़े नेताओं के अलावा निचले स्तर पर भी कई छोटे नेताओं के इस्तीफे हुए हैं और आज शाम तक भाजपा से और भी कई बड़े नेताओं के इस्तीफे की खबरें आ सकती हैं, जिनमें रणजीत चौटाला, कविता जैन सरीखे, पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्रियों का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।